हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे ऑब्जेक्टिव ही चल रहे थे, तो आगे हम जो है और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो सबसे ऊपर जो जोड़ियाँ दी रखी है, तो हम सबसे पहले जो है पहले जोड़ियाँ देख लेते हैं। क्या बोल रहा है जोड़ी में, पहला क्या है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग, फीचर लेखन विशेषज्ञता, रेडियो मनोरंजन का, रेडियो पूरी तरह से। मैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रेडियो वाली दोनों चीज़ें पहले आ रही होंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेडियो मनोरंजन का के आगे जो जोड़ियाँ दी आप उसमें देखोगे सस्ता और सहज साधन है, क्योंकि रेडियो जो है बहुत ही सस्ता होता है और ये बहुत अच्छा रहता है, तो इसे आसानी से हम खरीद सकते हैं। बाद आपको पांचवी समझ में आ रही होगी कि रेडियो पूरी तरह से, इन ऑप्शनों में आप देखोगे तो श्रव्य माध्यम आपको दिखेगा कि रेडियो पूरी तरह से क्या है, श्रव्य माध्यम। इसे हम क्या है, सुन ही सकते, देख नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, श्रव्य माध्यम। के ऊपर आप जो थर्ड नंबर के देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, विशेषज्ञता। तो आप ऑप्शन में देखोगे इधर पर क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर आप ध्यान से देखोगे अनुभव का पर्याय। तो अनुभव का जो पर्याय होता है वो विशेषज्ञता होता है, तो ये भी जो है आप कर लेंगे। ऐसे सेकंड क्या बोल रहा है, फीचर लेखन। फीचर सेकंड का इसका आंसर क्या बोल रहा है कि कथात्मक शैली। ऐसे फर्स्ट का क्या बोल रहा है कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग, यानी विशेष संवाददाता। रिपोर्टिंग मतलब वही होता है जो संवाददाता हमें आपस में जो बात बताते हैं ना, उन्हें संवाददाता कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, विशेष संवाददाता। इसको जो है आप ऐसे याद रख सकते हो, विशेषीकृत रिपोर्टिंग से विशेष, और रिपोर्टिंग मतलब होते हैं संवाददाता, तो विशेष संवाददाता। तो लास्ट सेकेंड का क्या बोल रहा है, फीचर लेखन, तो इसका आंसर क्या होगा, कथात्मक शैली। तो जो लास्ट में बचा वो आप ऐसे मैच कर, तो इस तरीके से आप जो है ये जोड़ियाँ कर लोगे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जोड़ी कहीं से भी आ जाए, आप आराम से कर लोगे। तो बाकी आपको जो है सारे ऑब्जेक्टिव याद करते चलना है कि कोई सा भी आ सकता है। ऐसे अब हम जो है हमारे एक शब्द देखते हैं, ज़रा एक शब्द में क्या है। तो पहला क्या बोल रहा है कि कविता के मूल में क्या होता है, तो ये हवाला आपको याद रखना, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आ ही जाए। तो इसमें क्या बोल रहा है, संवेदना और रागत्व। ऐसे हमारा सेकंड क्या बोल रहा है, अंग्रेजी कवि W.H. Auden ने शब्दों के विषय में क्या कहा है, इसका आंसर क्या है, प्ले विदाउट वर्ड्स। जो अंग्रेजी के कवि, उन्होंने जो क्या है शब्दों के विषय में क्या कहा है कि प्ले विदाउट वर्ड्स। थर्ड बोल रहा है कि बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर किस रूप में बदल जाती है, जो बाहर के हमारे अंदर की संवेदना होती जो बाहर की, वो मन के स्तर पर यानी मन में जो है किस स्तर पर बदल जाती है, तो बिंब के रूप में। बिंब में आपको पढ़ा चुकी हूँ तो आपको पता है बिंब क्या होता है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नाटक लिखित रूप से किसकी ओर अग्रसर होता है, इसका आंसर क्या है कि दृश्य रूप में, यानी किसकी ओर अग्रसर होता है, दृश्य रूप में जो अग्रसर होता है, यानी जो दृश्य रूप में जो है हम देखते हैं नाटक को, तो इसलिए दृश्य रूप में इसका आंसर है। ऐसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साहित्य की कौन सी विधा नाटक के अधिक निकट होती है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साहित्य की कौन सी विधा, यानी नाटक के अधिक, नाटक के जो पास में कौन सी विधा होती है, कविता होती है, तो ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कहानी और उपन्यास के पात्र कैसे होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, शाब्दिक चरित्र वाले, यानी जो शब्दों में जो है इनके चरित्र को बताते हैं, इनके पात्र क्या लिखे हुए होते हैं ना शब्दों में, इसलिए शाब्दिक चरित्र वाले। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो केंद्रीय बिंदु होता है वो कथानक होता है। ये आपसे कहीं पर भी पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार पूछते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस कहानी की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, इसका आंसर क्या है, मौखिक कहानी। क्योंकि आपने सुना होगा आपकी दादी नानी वगैरह हैं जो आपको पहले से ही कहानियाँ सुनाती हैं, कि कोई सी भी कहानी हो, परी की हो या कहीं की भी हो, तो सुनाती, तो कहानी कौन सी चली आ रही है, मौखिक कहानी, यानी मुंह से बोलकर जो सुनाते हैं वो मौखिक कहानी कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई हैं, तो इसका आंसर क्या है, शिक्षाप्रद। जो पंचतंत्र है, जैसे हरिवंश राय की मधुशाला है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं। प्रकार से पंचतंत्र भी एक ऐसा है जिसके अंदर जो और बहुत सारी कहानियाँ लिखी रहती हैं, तो वो कौन सी कहानियाँ लिखी हैं उसमें, शिक्षा प्रद, से हमें जो एक ज्ञान मिले, ऐसी कहानियाँ उसमें लिखी गई हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि भीष्म साहनी की किस कहानी का सफलतापूर्वक नाट्य रूपांतरण हुआ है,
इसका आंसर क्या है, चीफ की दावत। जो भीष्म साहनी जी उनकी क्या है, उनने जो कहानी लिखी थी उसका जो सफलतापूर्वक उस कहानी को जो नाटक में करके रूपांतरित किया था वो कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, चीफ की दावत। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कहानी के लेखक का संबंध किससे होता है, इसका आंसर है पाठक। यानी कहानी है तो उससे जो है, जो भी कहानी लिख रहा है यानी लेखक लिख रहा है, तो उससे संबंध किसका है, हमारा है, क्योंकि हम जो है लेखक की कहानी पढ़ते हैं। पाठक कौन होते हैं, हम या जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो कौन होता है, पाठक। तो उनके संबंध हमारा किससे हो गया, लेखक से। इसलिए जो इसका आंसर क्या है, पाठक है, क्योंकि पाठक ही जो है कहानी पढ़ता है लेखक की। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने कुछ और ऑब्जेक्टिव पढ़े, आगे जो है हम कुछ और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। कि आपका सिलेबस पूरा एंड हो गया है, बस हमारे जो है शुद्ध अशुद्ध वाक्य बचे हैं, बाकी सब तो हमने जो कर ही लिया, और एक अनुच्छेद लेखन बचा वो मेरे को आपको बताना है, बाकी सब मैं आपको पूरा पढ़ा ही चुकी हूँ। बस आपको जो ऑब्जेक्टिव रटते चलना, याद करते चलना, जहाँ कहीं से भी ऑब्जेक्टिव मिल रहा है आपको पढ़ते चलना है, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।